था वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी बर्थडे थी और मुझे बहुत सारे गिफ्ट थे, तो मैंने कहा चलो आओ आप लोगों के सामने ना अपना गिफ्ट ओपन कर लूँ। द प्रोजेक्टर पेंटिंग हाई टेक लर्निंग 3 स्लाइड्स 21 पैटर्न 12 कलर पेन चिल्ड्रन लर्न गुड पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट एंड यहाँ से मैं यूं करूँगी तो ऑन होगा, यूं करूँगी तो ऑफ होगा। और ये रेस्ट इनसाइड एंड रिसाइज मैं यूं करूँगी तो मैं कहीं छोटा भी कर सकती हूँ बड़ा भी कर सकती हूँ। तो चले ओपन करते हैं। मैं ओपन कर लिए, ओपन करें मैं खेल। So cool. तो ये एल्स ये है टाइट एंड दिस इज अप। तो गाइस ये यूं भी हो सकते यूं हो सकता है और यूं हो सकता है और ये यूं करके भी कर सकते हैं और ये भी येलो वाला भी हो सकता है। आप लोग इसको यूं करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये है मार्कर्स और ये आर्ट बुक, हम इस पर कुछ भी ना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीज आएंगी। तो चले आए मैं आप लोग को इसको यूज करके दिखाती हूँ। प्रोजेक्टर पेंटिंग आर्ट टेक्स्ट बुक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास आ रही है और वाओ दिस इज सो कूल जेलीफिश वाला। तो सुनिए बताओ वो कौन सी करनी है कलरिंग। ये वाली ना ये वाली से जल्दी ये पेंटिंग से जूनी जूनी पेंटिंग से पेंटिंग चाहिए। ओ येलो ऑप्सीस येलो लियो येलो। तो बस कैमल में करते हैं, देन कैमल में ये नहीं होता, कैमल में ये होता है। हां ये तो गाइस मैं आपको करके दिखाती हूं। गाइस तो पहले ब्रश से ना ऑर्डर कर देते हैं। मम्मा भी कर ले, दीदी आप भी कर लें। मैं ये वाला क्यों नहीं, मुझे ये वाला करना है, ये वाला कर लो। नहीं मुझे ये वाला करना है, ऐसे कर ले। ये कर लो, ये कर लो। ये यार नो 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 1 मिनट प्लीज। तो गाइस चले आए ऐसे मैंने इसकी आइस में कलर कर दी तो इसकी आइस भी वही है। ओके अब हमें ये कलर करेंगे, ये वाला कलर, ये नो क्लोज देम। अच्छा मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है और हम लोग उसको कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ और ना इसको ना बंद भी कर सकते हैं ना अपनी चीज़ें भी इसमें बना सकते हैं। ओके गाइस तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस तो कितना प्यारा बना है और मैं 2 भी बना सकती हूँ, लाइट ऑन करें दूसरा यहाँ पर छोटा सा माय बेबी और सन बनाए या लो यहाँ पर आ जाए सन बनाते हैं। लेडी गो लेडी गो लेडी गो लेडी लेडी नो वे
से क्वेश्चन करने वाली हूँ तो आलो लिख के बताएगा कैमल कहाँ रहता है। ओके बताएगा कैमल कहाँ रहता है। तो अगर और भी चीज़ें बना सकते हैं तो अब हम लोग बनाएंगे ये नील कलर के। कौन सी है चेरी? ये नहीं लगता, ये लगता है। Yes, I like it. इसके बराबर में एक और बना लेते हम लोग। ये चाहिए इतने डक। यहाँ पर बना लेते डक। मुझे पता है बॉर्न्स बेबी को और थ्री इयर्स बेबी को डक्स बहुत पसंद आती हैं। इतनी से बनाते हैं। ओके गाइस इतनी से बनाते हैं। बहुत प्यारी डक है। खुद ही देख सकते हैं प्यारी डक है ये। लेडी गो लेडी गो लेडी लेडी गो थैंक यू सब जानू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड थैंक यू सो मच। और ये मेरी बहन को भी पसंद आया है और मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और इसमें कुछ भी लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कोई बहुत सारी पेंटिंग्स आती हैं इसमें ड्रॉ करने के लिए। मतलब कुछ भी आप लोग कर लो। नहीं करूँगी नहीं बनाइए। हाँ ये मेरी पर्पल कलर की कलर बनाइए। तुमने ब्लैक क्यों कलर था बनाया? तुम ब्लैक कलर की कलर की। वाह गाइस होने के लिए देखिए कितनी प्यारी आर्ट बनाई है। वाह सोनी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने डक क्यों बनाई है? आर्ट को कौन सी मार्कर से बनाना है सोनी? ब्लू कलर से। तो गाइस ये देखें इसमें है बॉल बास्केटबॉल। ये लगा है बास्केटबॉल है कौन सा लगा है एंड हिस्ट्री और इस फ्लावर फॉरवर्ड पॉट एंड फ्लावर थैंक यू सर। मैं कर दूँ जिराफ आई लव इट। हिप्पो लेडी बर्ड एंड बास्केटबॉल रस्सी एलसीडी में काउ काउ पैरेट फिश डक वन मोर डक डॉल्फिन दुनिया बताइए ना। तो गाइस इसका आप नाना कमेंट में पढ़ के कमेंट में दिखाएगा बताइएगा। सब कुछ दिखा दिया है इसमें तो आलो कमेंट में बताइएगा उस इसका नेम। तो चलें गाइस नाला को बारे में अपने नेक्स्ट नेक्स्ट गिफ्ट के साथ बाय बाय। तो गाइस मुझे तो आप लोग बताइए आपको कैसे लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये। और आलो तैयार इसे कैसे लगा? मेरे तो विंटर वेकेशन स्टार्ट भी हो गए तो मैं तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करूँगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है आलो चैनल तो फिर लेगा तो जुनी बाय 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 मामा।